आ गया तो उपग्रह बदल गया। तो इसमें क्या होता है ना, जैसे एक तकनीक आप अपने गांव में कुछ तकनीक से करते हो कि बाहर से आपको बोलता है नहीं ये गलत है आप ऐसे करो, तो आपका जो परिणाम है वो कभी कभार बदल जाता है। वर्धा विदर्भ के साथ क्या नाता रहा है पिछले 10 साल कर रहे, क्या परिवर्तन हो रहा है शेती में और रोजगार में क्या परिवर्तन हो रहा है, मैं उसको 10 साल से आके स्टडी कर रहा हूँ या फिर मैं उसका निरीक्षण कर रहा हूँ, इसलिए मैंने उसको मेरे ऑब्जर्वेशन से निरीक्षण करते हैं। तो इसमें एक जो सवाल आता है कि इसको मैंने दूसरों का सत्य या फिर टर्चर सत्य क्यों बोला है, क्योंकि हमारा जो सत्य होता है हम जब बाहर से आते हैं हम एक अलग से सोच के आते हैं कि ऐसे खेती होनी चाहिए ऐसे रोजगार, लेकिन सच्चाई में क्या होती है कि लोगों की परिस्थितियां अलग होती है, आपके आपकी जो खुद की जो नॉलेज होती है कुछ आपकी जो ज्ञान रहती है पहले से उसको सम्मान देते हुए हम जब बाहर से आते हैं हमें बस खाली ऑब्जर्व करना चाहिए भाषण नहीं देना चाहिए। इसलिए आप देखते हैं कि वर्धा में और विदर्भ में क्या हुआ है पिछले 10 सालों से। तो मैंने शुरू किया मेरी जो स्टडी यहाँ पे वर्धा तालुका में 5 गांव है, वहाँ पे सचिन गांव भी है जो अभी 10 साल पहले काफी नौजवान थे अभी भी है, तो वो खुद ही एक शिफ्टकार है। तो हमने जब मुंबई में मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की थी, मैं उड़ीसा से हूँ, मैं मास्टर्स करने मुंबई आया था, तो मैंने एक न्यूज़पेपर में खबर देखा कि एक डोली करके गांव है जो किसान बेचने को तैयार है, तो उन्होंने ऐसा ही पोस्टर लगा दिया था कि हमारा गांव तुम लोग खरीद लो। तो मैं सोचा कि देश तो इतना आगे बढ़ रहा है तो लोग गाँव के बेचना चाहते हैं, तो मैं सब कुछ छोड़ के मैं जॉब कर रहा था, मैं छोड़ के आ गया लाने के लिए गाँव। तभी मेरी मुलाकात अतुल जी से हो गई थी एंड अतुल जी का इतना अतुल्य गान, इतना अतुलनीय गान है कि वो सब कुछ समझा देते थे कि देखो यहाँ पे कॉटन का कपास का क्या इसमें दोष है कहाँ तक है, इसमें जो कीड़ा आती है उनकी जो इकोसिस्टम इकोलॉजिकल इम्बेलेंस हुई है पद्धतियों की वजह से, वो काफी मुझे इंटरेस्टिंग लगा था। तो मैंने तभी मान लिया कि चलो अगले 3-4 साल तक मैं यहाँ के इन गाँव को अच्छे से देखूंगा क्या क्या पद्धति है क्या उसके परिणाम है, तो वहां से भी सारा जो डेटा लेंगे हम समझेंगे और बात भी करेंगे। फिर मैं बाहर चला गया था, फिर उसके बाद मैं वापस आया 2015 से और पिछले 3 साल से हम उन्हीं गांव वर्धा में और कुछ और भी गांव है और यवतमाल जिले में भी कुछ गांव लेके, तो गजानंद जी है और सचिन जी हमारी टीम में, हमने किसानों का एक लॉन्गिट्यूडनल डेटा हम उनको बोलते हैं, मानो आपके घर पे हम लोग हर बार आके हर साल जानेंगे कि पिछले साल क्या हुआ आपने क्या क्या उगाया और आपका क्या क्या सब परिणाम। तो ये सब दो जो तालुका है, तो मैंने ये ध्यान दिया कि हम लोग बोलते हैं कि नैसर्गिक कारण बहुत है, जो नेचुरल फैक्टर्स है वेदर मान लीजिए इसे मोस्टली रेनफेड रीजन है, कोरडवाहू यहाँ पे बहुत किसान है कारणों में पानी की समस्या बहुत है, विदर्भ में 2-3 तिहाई से ज्यादा लोगों के पास पानी नहीं है अपने कॉटन को उगाने के लिए। तो मैंने 6 गाँव में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन इंस्टॉल किया, तो इसमें क्या होता है जो हवामान सब है हर दिन हर घंटे हमारे पास वो जानकारी आती है और हम जानते हैं कि इसका किसानों के जो हम देख रहे हैं कितना उत्पन्न हुआ और कितना उनका नुकसान हुआ कितना अच्छा कितना घाटा भी हुआ उससे हवामान का क्या नाता। तो ये सब जानते हुए हम आगे जाएंगे, तो मैं आपको बहुत जल्दी दिखा दूंगा कि पिछले 20 साल में वर्धा में क्या हुआ। तो सबसे बड़ी जो बात थी है हम हमेशा सोचते हैं कि वर्धा विदर्भ ज्यादातर कापूस रेड एंड कॉटन या पराठी भी आप अगर समझ सकते हो उसी तरीके से जाने तो ज्यादातर पराठी है कापूस से कॉटन है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये कि पिछले 20 साल में सोयाबीन काफी आ चुका है वर्धा जिले में और कुछ पिछले 7-8 साल से हम देख रहे हैं कि सोयाबीन की अगर आप देखोगे कि उसका कितना हम एरिया ज्यादा रहे या फिर कितना जमीन सोयाबीन में खेती हो रही है कभी, तो वो 2011 से थोड़ा घटने लगी है, थोड़ा बढ़ती है भाव बढ़ते तो बढ़ती है, लेकिन पिछले 4-5 साल से हम देखते हैं कि वो घट रही है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2008 से कपास भी बढ़ने लगा, कपास एक टाइम पे बहुत ही कम हो गया था लगभग 10 साल के लिए, सोयाबीन की पैदावार ज्यादा हो रही थी इस इलाके में बट अभी कपास फिर से बढ़ने लगा। फिर उसके बाद हम जाके देखेंगे कि उसका जो उत्पादन में आप देखोगे कि विदर्भ प्रांत जो है दुनिया में सबसे कम आपकी जो उत्पन्न मिलती है 1 एकड़ की जमीन से कपास में सबसे कम, जिसका एक तो कारण है कि यहाँ की जो जलवायु की बात हम कर रहे थे यहाँ पे सिंचाई की बहुत कठिनाई है काश्तकार को, तो हम ये जानने की कोशिश की है कि इसमें कुछ बढ़ोतरी
पांच क्विंटल मिल रही है, मार्केट में भाव चल रहा है मान लीजिए 1000 रुपए, अगर मैं इन दोनों को गुण दूं तो आपको क्या मिलेगा मल्टीप्लाई करने से? इनकम मिलेगा, लेकिन उससे आपको काटना पड़ेगा उसका खर्चा कितना होता है। तो अगर हम आगे जाके देखेंगे कि उसका क्या हुआ, उससे पहले मैं आपको एक और बता दूं, वर्धा जिला एक बहुत ही रोमांचक जिला इसलिए है, जब पूरे देश में आपकी क्षेत्रीय मजदूरी घट रही है, काश्तकार भी बहुत घट रहे हैं, पिछले 10-10 साल के सेंसस के जो डेटा है आप देखोगे, वर्धा जिले में वो उल्टा चला रहा है। वर्धा जिले में जो आपके कल्टीवेटर्स जो है वो थोड़ा कम होना चाहिए था लेकिन बढ़ा है, लेकिन सबसे जरूरी बात है जो ऊपर वाला आप देख रहे हो लाइन है, जो क्षेत्र मजदूर वो पिछले 2 सेंसस सालों में बढ़ गया। आज हम बात कर रहे हैं रूरल एम्प्लॉयमेंट की, एंटरप्रेन्योरशिप की, इन सब की, आपको ये जानना चाहिए कि हमें कितने लोगों को वो रोजगार देना है। तो आप ये देख लो 6 लाख लोग जो काम करते हैं वर्धा जिले में, वर्धा जिला की जनसंख्या लगभग 13 लाख से ज्यादा है, तो जो 6 लाख लोग अभी काम कर रहे हैं उनमें से 4.5 लाख लोग खेती से जुड़े हैं, 80% लोग खेती से जुड़े हैं। जैसे जयकिशन जी ने बोला कि बिना खेती के, बिना एग्रीकल्चर के आपको ये सोचना कठिन इसलिए होगा क्योंकि जो लोग खेती में काम नहीं पा रहे हैं वो लोग बाहर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा जिम्मेदारी सबके ऊपर है ये समझने के लिए कि ये जो लाखों शेख मजदूर है और उससे थोड़ा कम जो शेखता है वो लोग खेती छोड़ के खेती के बाहर क्यों आए। तो आप लोग को अगले 2 दिन में ये सब भी सब आलोचना करनी पड़ेगी, क्या हम उनके लिए इतना अच्छा ऑप्शन दे सकें, उनको इतना अच्छा मौका दे सकें कि आप अपनी कमाई या रोजगार बढ़ा सकें। तो आपको ये समझना है कि हम उनको खेती से निकाल नहीं रहे, हम वो खेती करेंगे, खेती के साथ जुड़े रहेंगे, लेकिन उनको थोड़ा उसके ऊपर रोजगार होगा। लेकिन ये भी मान लीजिए कि बहुत सारे शेख मजदूर हैं जिनके पास जमीन ही नहीं है, तो उनके लिए भी आपको थोड़ा अलग प्रकार के प्रणाली सोचनी पड़ेगी। तो पिछले 5 साल में मैं समय कम है इसलिए जल्दी से बोल दूंगा कि जो बीटी कॉटन है तो पिछले 2 सालों में भारत 2001-2002 से भारत में ज्यादा आने लगी, इस प्रांत में थोड़ा देरी से लगी, तो उसकी वजह से आप देखो है कि लोग बोल रहे हैं कि हमारी उत्पन्न बढ़ी है कॉटन से, लेकिन यहाँ पे हम देखे हैं कि इतनी भी ज्यादा नहीं बढ़ी है, लेकिन उसकी वजह से कॉटन का एरिया बहुत बढ़ गया है। बाद में हम लंच के बाद भी बात कर सकते हैं कि इसकी वजह से क्या क्या सब समस्या आई है। एक जो सेकेंडरी पेस्ट होती है, अतुल जी आपको बहुत अच्छा बोल पाएंगे कि जो अमेरिकन बोलबम की वजह से ये बीटी कॉटन लाई गई थी उसके बाद भी अलग अलग प्रकार के सब पेस्ट या कीड़ा आने लगे हैं और किसानों की पेस्टिसाइड पे खर्चा विदर्भ में वर्धा में बहुत बड़ी है। तो हम आपके साथ बाद में ये बात कर लेंगे कि इससे जो इंडेबटेडनेस जो कर्जा लोगों का है उसका कोई नाता है कि कोई नाता नहीं। तो हमने देखा है पिछले 2-3 साल में ही कि इसका एक नाता है, और इसको समझने के लिए आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो नौजवान है अगर वो खेती में नहीं रहना चाहता वो क्या करना चाहता। तो जैसे हमने एक बहुत अच्छा टेक्सटाइल्स वेविंग की कुछ कहानियां सुनी है, लेकिन हमने देखा है कि वर्धा प्रांत के ज्यादातर जो खेती में नहीं रहना चाहते हैं नौजवान वो जाके जेसीबी ड्राइवर बनने में खुशी है उनको, ना कि क्षेत्र मजूरिया के साथ। और आखिर के 2-3 चीजें मैं आपको भूल दूंगा कि कितना उनको पैसा आया कापूस सोयाबीन और तूर से। तो अगर ये आप देखोगे ये वाला जो डायग्राम है तूर से एकर के भाव पे सबसे ज्यादा उनको पैसा आता है, इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि तूर पे खर्चा कम, अगर आप एकरी खर्चा सब देख रहे हो तूर में कपास के मुताबिक खर्चा कम है और तूर का भाव में भी बढ़ोतरी हो रही है। तो पल्सेस की जब बात कर रहे हैं तो अभी पिछले 3-4 साल से पल्सेस का एरिया बढ़ रहा है, सोयाबीन घट रहा है, कॉटन बढ़ रहा है, कॉटन का भाव भी बढ़ा है, एमएसपी बढ़ गया है और तूर की आप एकरी भी देख लो बढ़ रही है। तो आखिर में कुछ चीजें जो इतना मराठी में इधर उधर हो गया है फॉन्ट की जो बात हम कर रहे थे, तो क्या क्या हमने सीखा। मुख्यतः हमने देखा कि खेती में खर्चा बहुत बढ़ गया है, आप एकरी देखो या सब मिला के देखो, फिर गैर खेती का काम बहुत कम है इस प्रांत में, कौशल परीक्षण की बहुत कमी है और उसकी जरूरत भी है इस प्रांत में कि हम कैसे जो नौजवान है
खेती से जुड़े हैं हमने देखा क्या क्या कौशल है क्या क्या स्किल्स में हम उनको ट्रेन कर सके कि हम सबको बात करने की बहुत जरूरत है और आगे भी आपको देखना होगा कि जो जोखिम या जो रिस्क है यहाँ की खेती में रेनफील्ड प्रोडक्शन सिस्टम में हम उसको कैसे किसानों को इंश्योर कर सके और कुछ सवाल के साथ मैं आपको रोकूंगा कि हम जब जानते हैं कि हम रोजगार की बात करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं ताकि वो खेती से जुड़ा ना निकल पाए खेती के साथ ही जुड़े और एक सेकेंड होगा ये बोलने के लिए कि हम लोगों ने एक गांव उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में पालनपुर करके है जिसको 70 साल से लोग स्टडी कर रहे हैं उसके साथ मैं जुड़ा था गजानंद जी भी जुड़े थे हमने वहां देखा कि पिछले 70 साल में कैसे लोग खेती के बाहर आके रोजगार ले रहे हैं बाकी कामों में ये जान लीजिए कि पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा काम जो खेती के बाहर आके लोग कर रहे हैं वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में आके कर रहे हैं कोई बिल्डिंग बन रहा है कोई हाईवे बन रहा है ये जो परिवर्तन हो रहा है पिछले 70 सालों में या 70 दशक में आप देखोगे कि खेती के बाहर ज्यादातर काम अगर किसी को मिलेगा तो मिलेगा उसको कंस्ट्रक्शन के काम पे लेकिन और एक समस्या आप देखोगे कि जो पढ़ाई कर लिया वो क्या कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जाएगा वो नहीं जाएगा तो दो तीन चीजें जैसे अगले 2 दिन तक हम ये भी बात कर सकते हैं कि कौशल्य की जो आप ट्रेनिंग दे रहे हो जो स्किल्स ट्रेनिंग दे रहे हो और जो शिक्षण पे लोग पैसा देंगे उनके बीच एक बहुत ही जैसे हम टग ऑफ वॉर बोलते हैं खींचातई उतर चलती होती है एक परिवार अपने बच्चों को पढ़ाई में खर्चा करे या उनकी कौशल्य पे खर्चा करे तो जैसे कुछ लोग बोलते हैं भारत में 5% इंजीनियर की स्टूडेंट्स जो है उनको काम करने के लायक है अदरवाइज आप मान लीजिए वो काम देने के लिए कोई राजी नहीं कर पाओ तो अगर एक रूरल कॉन्टेक्स्ट में या फिर एक ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में सोचे तो हम क्या क्या उनको कौशल्य दे पाए ताकि वो खेती के साथ भी जुड़े उनका जो रोजगार है लाइवलीहुड खेती से भी आए और खेती के बाहर से भी आए तो बहुत खुशी होगी अगर आप लोगों का कुछ सवाल है या फिर आगे जाके हम कोई बात या काम कर सके मिलके तो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कुछ सवाल है तो हम कर सकते हैं कुछ सवाल मतलब जैसे एग्रीकल्चर पे हम देखें यूरोप और अमेरिका में जो है फार्मर्स रिड्यूस हो रहे हैं इंडिया में भी हम देखें पहले 78-87% लोग जो है वो खेती के ऊपर थे अभी अराउंड ये जो परसेंटेज आया है वो 62-65% है तो गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है इससे और क्या करना चाहिए इसको इंक्रीज करने तो ये जो बहुत ही अहम सवाल आता है कि इस चीज को बोलते हैं स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एक बौद्धिक चीज पे आपका कैसे परिवर्तन हो जाता है कि खेती के बाहर से ज्यादा लोग लेकिन उसके पहले आपको ये सवाल पूछना है खेती क्यों छोड़े अगर एक मान लीजिए कोई भी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है तो लोग खेती क्यों कम कर रहे हैं इसका एक बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि लोग खाने पे कम खर्चा करते हैं अगर आपकी रोजगार बढ़ रही है आप खाने के बाहर मोटरसाइकिल पे गाड़ियों पे टीवी पे मोबाइल फोन पे ज्यादा खर्चा करोगे तो आपकी ज्यादा जो जॉब क्रिएशन होगी वो सरकार पे होगी उन्हीं सेक्टर्स में होगी खेती भी नहीं होगी लेकिन भारत में जैसे आपने बोला 50% लोग आज भी खेती पे निर्भर करते हैं सीधे तौर से या इनडायरेक्टली भी करते हैं तो सरकार की ये पॉलिसी रही है कि हम उसको अचानक से नहीं कम कर सकते हमको 70 साल लग गए हैं 50% 63 से 50 70 से 50 तक काम समस्या ये है कि आज जो भारत की इकोनॉमी को ड्राइव कर रहा है जो सर्विस सेक्टर वो सर्विस सेक्टर पे आने के लिए अगर कोई खेती से आ रहा है तो वो निचले काम के काम पे आ रहे हैं तो इसलिए स्किलिंग का ये अभी है कि जॉब मैन्युफैक्चरिंग में क्रिएट होता है ज्यादा अगर आज नागपुर के आसपास या वर्धा के आसपास आपकी इंडस्ट्रीज बन गए तो वहीं पर जाके लोगों को वहां पर रोजगार मिलेगा लेकिन मैं देख रहा था डेटा 10,000 से 15,000 के बीच ही सालाना जो भी यहाँ पे है इंडस्ट्रीज का वो मिल पा रहा है तो क्या होता है अब जाके माइग्रेशन का भी एक सवाल आपको देखना पड़ेगा हर प्रांत में अलग अलग माइग्रेशन की स्टोरीज है लेकिन जैसे रोजगार हानि योजना किया गया था वो अनस्किल्ड सेमीस्किल्ड लेवल पे होता है जिसके पास कौशल्य है वो जाके वहां पे काम नहीं करता तो बहुत सारी पॉलिसीज गवर्नमेंट कर रही है कि स्किलिंग पे हम कैसे इन्वेस्ट करें लेकिन ये एक सही तरीका से नहीं चल रहा है बहुत समय लगता है उस परसेंटेज को घटाने और कोई सवाल नहीं जैसे हमारे एरिया में क्या है तो हम थोड़ा जानना चाहेंगे स्टार फोरम का एक उद्देश्य ऐसा है कि हम दूसरे को कनेक्ट कर पाए तो आप जिन स्पीकर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप सिर्फ अपना नाम लिख दीजिए आपका ईमेल आईडी और फोन नंबर लिख दीजिए और आप जिस स्पीकर से आपको कनेक्ट करना है उसका नाम लिख दीजिए और वो बाहर एक बक्सा रखा हुआ है तो सेशन खत्म होने के बाद वहां पहुंचा दीजिए अगर समय नहीं हो पाया
फिर भी हम क्या करेंगे, वो स्पीकर को ये लोग आपके टॉपिक में इंटरेस्टेड है, जैसे मैं इनके दूसरे के साथ हूं, तो भूलने से पहले मैं इनका नाम सार्थक गौरव जी से मिलना चाहता हूं और मेरा ईमेल आईडी, मेरा फोन नंबर, तो हम ये करेंगे कि आप दोनों को कनेक्ट कर देंगे। तो आपके जो चिट्स दिए हुए छोटी चिट पे लिख दीजिए कि मैं, जैसे पहले हमारे जो वक्ता थे नागार्जुन साहब जी, तो आप लिख दीजिए कि उनसे मिलना है आपको, तो फिर हम बाद में आपको ईमेल से कनेक्ट करेंगे। तो ये जरूर करना, क्योंकि समय कम है, मैं जाता हूँ मैं हर वक्ता के